Hello student, today we will read 9th class geography chapter 1 India size and location. First of all हम location को पढ़ेंगे. Location स्थित, location का अर्थ होता है स्थिति. India के exact location को जानने के लिए पहले हम ग्लोब्स के टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे हमें इंडिया की लोकेशन को जानने में हेल्प मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोब, ये जो ग्लोब है इसमें टू टाइप्स की लाइन होती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड जो ये लेटी हुई लाइन होती है, और लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ से साउथ की ओर लाइन ले जाती है. ग्लोब के अंदर हम इमेजिनरी लाइन खींचते हैं. ये जो इमेजिनरी लाइन है इनके नाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है 0 डिग्री पर, उसे बोलते हैं हम इक्वेटर. ये जो सेंटर की लाइन होती है यह ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है. इससे ऊपर नॉर्थ की ओर जो लाइन है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ की ओर भी 23.5 डिग्री लाइन होती है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इससे नीचे एक और लाइन होती है 26.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल, और ऊपर नॉर्थ की ओर होती है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री. ग्लोब का जो सेंटर पॉइंट होता है वो 90 डिग्री पे होता है, जिसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों 90 डिग्री में होता है. जो हमारा नीचे की ओर होता है वो साउथ पोल होता है और ऊपर नॉर्थ पोल. हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ पोल में सिचुएटेड है, लोकेटेड है नॉर्थ पोल में, और यह 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है. इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इंडिया, भारत उत्तर गोलार्ध में स्थित है. इंडिया मेनली एक्सटेंड बिटवीन एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ एंड 27 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड में स्थित है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ डिवाइड इंडिया इंटू टू इक्वल पार्ट. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया लेज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. इंडिया का जो साउथर्न पार्ट में है उसमें क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है. द साउथ वेस्ट पार्ट लेज इन लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, लक्षद्वीप पार्ट है जो कि अरेबियन सी में जाता. इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, साइज. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एंड एरिया ऑफ 3.28 मिलियन किलोमीटर, दैट्स मीन 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. मतलब इंडिया का जो लैंड मास एरिया है वो पूरा है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. इसको हम 3.28 मिलियंस भी कहते हैं. इंडियाज़ टोटल एरिया इज 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया का, भारत का जो पूरा एरिया है वो विश्व के मैप में या वर्ल्ड के मैप में 2.4% सिचुएटेड है. इंडिया के पास जो लैंड है वो पूरा 2.4% है. इंडिया इज़ द 7th largest country ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया, भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर सबसे बड़ा देश है इज़ द एरिया वाइज.
सब फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया सबसे बड़ी जो कंट्री है वर्ल्ड की, वो है रशिया। सेकंड नंबर पर कनाडा, थर्ड पर यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ नंबर पर हमारा इंडिया है। और इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,002 किलोमीटर। इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री यानी कि हमारी जो पृथ्वी की धरती की जो दूसरे देशों के साथ बाउंड्री लगती है वो लगती है 15,200 किलोमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन्स ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अरेबियन अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। और समुद्री एरिया के साथ जो हमारी सात कंट्री बाउंड्री है वो है 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें समुद्री बाउंड्री में हम में सिचुएटेड है हमारे अरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप वहाँ पर सिचुएटेड है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया एंड द वर्ल्ड की इंडिया ने वर्ल्ड के वर्ल्ड को क्या क्या दिया है या वर्ल्ड में कहाँ इंडिया को इंडिया ने क्या क्या हासिल किया है। द इंडियन लैंडमार्क हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन। इंडिया का जो लैंडमार्क है वो सेंट्रल लोकेशन में है, बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एरिया, ईस्ट और वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है। इंडिया इज़ ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंट्रीज, एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है वो एशिया के कॉन्टिनेंट में स्थित है। इंडिया एशिया का एक देश। द ट्रांस इंडिया ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडियन ओशन रूट्स विच कंटेक्ट, जो इंडियन ओशंस के रूट में कंट्रीज आती है वो है यूरोप की कंट्री, इन द वेस्ट में यूरोप की कंट्री आती है और ईस्ट में एशिया की जो कंट्री आती है वो क्या है इंडिया को सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करवाती है। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, सो दैट दूसरे किसी भी कंट्री का समुद्री लाइन से ज़्यादा, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री का इतना लंबा कोस्टल लाइन नहीं है जितनी इंडिया के, इसलिए इसके नाम पर एक समुद्र का सी का नाम भी रखा गया जो है इंडियन ओशन। द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड द रामायणा, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरियल्स एंड डेसिमल सिस्टम दस गुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड्स। भारत ने उपनिषद के विचार, रामायण की कहानियाँ और पंचतंत्र जैसे बड़े बड़े उपनिषद पूरे वर्ल्ड को दिए हैं तथा भारत इसी इंडियन न्यूमेरिकल एंड डेसिमल सिस्टम के आइडिया भी इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिया है। द स्पाइसेस मुस्लिन एंड अदर मर्चेंट्स वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री, दूसरी जो कंट्री है वो भारत से मसाले मलमल और दूसरे बहुत सारे व्यापारिक माल कच्चे माल को टेकन करती है, भारत से ले जाती है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है इंडियाज नेवरर्स की, इंडिया की जो नेवरर्स कंट्री है वो कौन कौन सी, हमारे पड़ोसी देश के इंडिया के जो लैंडमार्क्स कोस्टल लाइंस के साथ जो जुड़े हुए अदर कंट्री वो कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी, भारत की 29 राज्य हैं जबकि अब 28 स्टेट्स है धारा 370 हटाने के बाद इंडिया में अब वापस 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री बिल पाकिस्तान अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट,
उत्तर पश्चिम में भारत के जो नेबर कंट्री है वो है, जिसके साथ हमारी बाउंड्री लैंड बाउंड्री लगती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान हमारी नॉर्थन नेबरर्स कंट्री है। इस नॉर्थ में उत्तर की जो हमारी बाउंड्री लगती है वो उस लगती है चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। और हमारे पूर्व में जो कंट्री, ईस्ट में जो कंट्री लगती है वो है अफगानिस्तान, वो है म्यांमार और बांग्लादेश। और साउथर्न नेबरर्स एरियाज द सी कोस्ट कोस्ट ऑफ अक्रॉस कोस्ट ऑफ द टूल आइलैंड कंट्रीज नेम श्रीलंका और मालदीव्स। और हमारी जो समुद्री एरिया के साथ बाउंड्री है या जुड़ी हुई जो कंट्री है वो है श्रीलंका और मालदीव्स।